इसके पर क्या कहेंगे? पर आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण आहे. या अनावरणाच्या निमंत्रण पत्रिकेमध्ये औरंगाबादचे खासदार जे विकास पुरुष म्हणून आज पूर्ण देशामध्ये त्यांचं संबोधलं जातं अशा विकास पुरुषाचं खासदाराचं नाव या निमंत्रण पत्रिकेत नाही आहे. आम्ही VC कुलगुरूंना प्रश्न विचारला की आज आपले लोकप्रतिनिधी आहेत जे इलेक्टेड पर्सन आहे, लोकांनी त्या माणसाला निवडून दिलेलं आहे, अशा व्यक्तीचं नाव आपण आपल्या प्रोटोकॉलनुसार आपल्या विद्यापीठाच्या नियमानुसार ते असायला पाहिजे. परंतु त्यांचं म्हणणं असं होतं की ही ऑटोनॉमस बॉडी आहे आणि आम्हाला अधिकार आहेत की कोणाला बोलवायचं नाही बोलवायचं. म्हणजे यांना अधिकार असे आहेत की फक्त संघाच्या लोकांना बोलवायचं, जे मनुवादी विचाराचे लोक आहेत त्यांना बोलवायचं. आपण जर बघितलं की या विद्यापीठाची क्रांती, या विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी 13-17 वर्ष लोकांनी संघर्ष केला, रक्तरंजित क्रांती या नावासाठी झालेली आहे. लोक हजारो लोकांच्या ठिकाणी बळी गेलेले आहेत, हजारो कुटुंब नेस्त नाबूद बर्बाद झाले या ठिकाणी झालेले आहेत. तेव्हा बाबासाहेबांचं नाव या विद्यापीठाला मिळालं. त्या विद्यापीठाच्या चळवळीमध्ये ज्या आंबेडकरी चळवळीच्या लोकांनी काम केलं, नेत्यांनी काम केलं, त्यांनासुद्धा यांना बोलवायची, म्हणजे त्यांना सुद्धा बोलायची यांना लाज वाटते असं मला वाटतं. कारण की त्यांनाही या ठिकाणी बोलवलं नाही. म्हणजे एका ठिकाणी फक्त मनुवादी विचारसरणीचे, RSSचे आणि शिंदे गटाचे, जे की फक्त हिंदुत्ववादी विचाराची संघटना जे आहेत त्यांनाच या ठिकाणी बोलवलं. म्हणजे शिवाजी महाराज फक्त हिंदुत्ववादी विचारांचेच आहेत का असं आमचं म्हणणं आहे. कारण की जर तुम्ही फक्त त्यांना शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची ओपनिंग आहे म्हणजे फक्त आपण संघाच्या लोकांना बोलवणार, हिंदुत्ववादी विचारांच्या लोकांना बोलवणार, म्हणजे आम्ही बहुजनवादी, संविधानवादी, आंबेडकरवादी विचारांचे लोक या ठिकाणी शिवाजी महाराजांना पुतळ्याला उतरणं चालत नाही का असा आमच्याना प्रश्न होता. त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी सांगितलं की हा असा त्यांच्या ज्या प्रोटोकॉलनुसार असा प्रॉब्लेम होता, परंतु तो आम्हाला मान्य नाही. लोकप्रतिनिधींचं नाव आणि ज्या विद्यापीठाला संघर्ष ज्यांनी केला त्या कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना या ठिकाणी बोलवायची आमची इच्छा होती, त्यांनीसुद्धा बोललं पाहिजे होतं, परंतु त्यांनी बोलवलं नाही. या ठिकाणी आम्ही या गोष्टीचा कुलगुरूंचा निषेध करतो. सर, अब आने वाले समय में क्या रहेंगे, मामला थम जाएगा क्या? बस नहीं, आज का दिवस जो है हा खूप चांगला दिवस आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचा अनावरण आहे. या ठिकाणी या चांगल्या दिवशी आम्ही काय करणार नाही, परंतु आम्ही या ठिकाणी पुढच्या येणाऱ्या दिवसामध्ये कुलगुरूंच्या विरोधात आम्ही आंदोलन नक्कीच करणार आहोत. सर, आज विद्यापीठ के अंदर MIM के आपके नेतृत्व में लोग बड़े आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं. जैसा हमें भी उड़ते उड़ते मालूम पड़ा है कि दावतनामे में खासदार साहब का नाम नहीं, ये एक बहुत चौंका देने वाली बात है. शायद औरंगाबाद शहर में, महाराष्ट्र में पहला है कुछ देखने में आ रहा है. इसके पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हमने किया है, अपना विरोध जताया है, ये स्टूडेंट विंग के महाराष्ट्र अध्यक्ष जनाब कुणाल खरात साहब की अध्यक्षता में यहाँ पर विरोध जताया गया है. यहाँ पर राजू पठान और स्टूडेंट विंग के तमाम जिम्मेदारान मौजूद है. हमारा ये कहना है कि खासदार इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद ज़िले के एक लोक प्रतिनिधि है जो सेंटर में बैठ के पूरे औरंगाबाद ज़िले की रिप्रेजेंटेशन करते हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का आज यहाँ पर अनावरण रखा गया है, उसके इनॉग्रेशन के लिए CM साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं. ऐसी क्या वजह है कि जिसके अंदर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का नाम नहीं है? जब हमने इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर से बात की तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया. एक तरफ तो एक ऑटोनोमस बॉडी होने की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि MP इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद में नहीं थे इसलिए नहीं हमने नाम डाले. तो इसको क्या समझा जाए? क्या यूनिवर्सिटी को जो है तो किसी कुछ मखसूस कुछ पर्टिकुलर प्रेशर के अंदर जो है तो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, या फिर हम ये समझें, हाजमिता भाई, या फिर हम ये समझें कि यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की जो पोजीशन है इनको हज़म नहीं हो पा रही है. एक ऐसा खासदार कि जिसने औरंगाबाद ज़िले में नफ़रत की राजनीति को कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया, विकास की राजनीति कर रहा है, लोगों के काम कर रहा है, शिक्षा के स्तर को बुलंद करने की कोशिश कर रहा है, इनको ये खासदार नहीं चल रहा है. इसके विरोध में आज जो है तो MIM के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इसमें कोई तशफी बख्श जवाब नहीं दिया बल्कि गोलमोल जवाब दिया. हम उनके जवाब से जो है तो मुतमईन नहीं है. सर, बाजू में आपके बैठे 17 सीटें बैठे थे मंत्री साहब, हमने वो भी देखा, क्या बात हुई? देखिए, असल में वाइस चांसलर को मालूम था कि आज उनको MIM की स्टूडेंट विंग और MIM के तमाम कार्यकर्ताओं को संभालना मुश्किल है, तो उन्होंने अपने एक रक्षक के तौर पर जो है तो सत्तार साहब को साथ में बिठाया था. खैर, वहाँ सत्तार साहब बैठे या देवेंद्र फडणवीस बैठे या फिर जो है तो शिंदे साहब बैठे, लेकिन ये हकीकत है कि इन्होंने जो है तो ये जो फैसला लिया ये सरासर गलत फैसला है, यह अन्याय है यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, कि जिन्होंने जिनका अपना चुना हुआ लोक प्रतिनिधि का नाम जो है तो इन्होंने कार्ड के अंदर नहीं डाला. इसका हम विरोध करते रहेंगे चाहे कोई बैठे सामने.
रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।